ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टाइम डिस्टेंस और स्पीड के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का आप पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। रमेश 760 किलोमीटर की दूर कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रम से कितनी कितनी हैं? फिर से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रम से है कितनी होंगी? करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुल दूरी कितनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट मानेंगे और दो पॉइंट मानने के बाद क्या करेंगे, इनकी कुल बीच की दूरी लिखेंगे। कितनी दूरी है बताओ? ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 760 किलोमीटर। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है बताओ? देखो ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन, यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करता है। पहले तो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष कार से तय करता है। तो हमने रेलगाड़ी की जो चाल मानी है ना, रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली? रेलगाड़ी की चाल मान ली मैंने एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की क्या मान ली बताओ? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी से कितनी तय कर रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है? 160 किलोमीटर। समझना बात को ध्यान से। 160 रेलगाड़ी से तय कर रही, बची कितनी? 600 बची ना। तो 600 क्या है, कार तय करेगी वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझ में आई मेरी बात? आप इसका पता है टाइम कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा बताओ? समय दूरी बटा क्या होता है, चाल ही होता है ना। 160 बटा एक्स आ जाएगा और ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा बताओ? 600 बटा में एक्स, यही है वाई। 600 बटा में कुछ दिक्कत यहां तक आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को टाइम कितना लगता है बताओ? दोनों को टाइम कितना लगता है? 8 घंटे ही लगते हैं ना। समझ में आ गई पहली समीकरण क्या बनेगी? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों को 8 घंटे लगते हैं ना। उसके बाद आगे अगली लाइन क्या कह रहा है, यदि वे 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब बात आ रही है 240 रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल तो एक्स ही है और बाकी की किससे? 740 में 240 घटाओ कितना बचेगा, 520 बचेगा क्या, है ना। और ये किससे, देखो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष किससे, कार द्वारा, ठीक है। और इसको कितने घंटे ज्यादा लगते हैं, कितने मिनट ज्यादा लगते हैं उससे? 12 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 8 घंटे तो पहले लगते हैं, 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो 12 को किसे बदलेंगे, घंटे में, मिनट को घंटे बदल दिया ना। 12 एकम 12, 12 पन 60, 8 पन 40 और 41 बटा 5, 41 बटा 5, 240 बटा एक्स प्लस 520 बटा वाई। 48 बटा में क्या है x और 240 क्या है, ये देखो 240 वो है जो हमने 30 से गुणा किया है। चाहे आप इसको इधर भी गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर सकते हो 240 को ऐसे, ठीक है। और 30 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 6 3 18, और इसको गुणा करेंगे 18000 आएगा या 1800 आएगा, बटा में क्या है, समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो इस 1200 को किससे गुणा करेगी, 48 से बन जाए यहां पर 4 से,
चार को 41 से करेंगे, चार एकम चार, चार चौक 16 है ना, 12 चौक 48 सौ बटा में x प्लस चार से गुणा करेंगे, चार जीरो जीरो, चार छः 24 का चार हासिल दो, चार दो 8 और दो 10, 10,400 बटा 22, समीकरण नंबर क्या जाएगी 4। अब ये देखो, अब इसमें हम घटा रहे हैं समीकरण में से, ये समीकरण में से ये घटा रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। 240 में से 164 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 13 में 6 गए 7, यही बचेगा क्या, 76 बचेगा ना, ये तो कट जाएगा ना, ये क्या है 18,000 y माइनस कितना है 10,400 y, 18,000 में 10,400 घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा 7600 बचेगा, और 2y का मतलब 1y लिखते हैं इसके नीचे अगर ऐसे आ जाए तो, और 76 बच जाएगा बटा में 1, 76 एकम 76, 20 ऐसे आ गई, तो y की गति कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की निकालने में कितना, कैसे निकालेंगे x की, देखो ध्यान दो, यहां पर y की जगह हम क्या रख सकते हैं बताओ, y की कितनी आई है 100 आई है, तो देखो इस समीकरण में क्या कर सकते हैं x का निकालने के लिए, जो y की वैल्यू उसको वहां पर समीकरण एक में रख दो, 8 बराबर 160 बटा में x प्लस 600 बटा में y की वैल्यू कितनी है 100, 100 से घट जाएगा और 6 इधर को जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 160 बटा में x, 8 में 6 गए 2, 2 से काटो 2 8 16, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आप रख के देखो इसके अंदर, इस समीकरण में देखो 160 अगर x की चाल हम क्या माने बताओ, यहां 80 रख के देखो क्योंकि 80 से कटेगा नहीं, प्लस 600 किससे कटेगा 100 से कटेगा, तो 80 में 80 का भाग 160 में देंगे 2, 600 में इसका 100 का भाग देंगे 6, तो 6 और 2 8 आ रहा है, और 8 कहाँ से मैच खा रहा है, इस समय कहाँ मैच खा रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। बात बैठ गई समझ में नहीं बैठी, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में, स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है, कितना टाइम लेता है 6 घंटे 30 मिनट, और 6 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है 6.5 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है 6.5 घंटे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं, 30 मिनट अधिक लगते हैं, दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो एक व्यक्ति की बात चल रही है, वो इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाता है, ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाता है, इसने इसकी दूरी आपने मान ली, मान लो एक्स मान ली, कितनी मान ली एक्स किलोमीटर, इसकी आपने दूरी मान ली,
क्वेश्चन क्या क्या रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने में तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। तो साइकिल और स्कूटर दो चीज हो गई ना। तो देखो साइकिल की चाल कितनी मान लिया आपने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की चाल क्या मान लिया आपने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ साइकिल से गया तो उसको समय कितना लगा। सवाल सेम है, कोई दिक्कत नहीं समय, सवाल में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो x बटा a लिख सकते हैं, इसको x बटा b लिख सकते हैं, और दोनों में आपका समय क्या लगा बताओ, दोनों में जाने और आने में हैं 6 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 6.5 घंटे, और 6.5 किसका आधा होता है, 13 का आधा होता है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6.5 मतलब 13 का आधा। मैंने बताया था ना पहाड़ा बना के आपको, ध्यान हो तो है कुछ ध्यान। तो ये समीकरण नंबर एक तरीके से एक आ जाएगी। समीकरण नंबर दूसरी क्या है, देखो एक्स बटा एफ, ये समीकरण आ गई पहली आपकी है ना 13/2। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी ये आपने तो चाल मानी है ना, साइकिल की चाल आपने क्या मानी है, दूरी तो एक्स है यहाँ पर, और आपने चाल क्या मानी है, ए मानी है किसकी, साइकिल की, और स्कूटर की क्या है, बी है। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो ध्यान से समझना। ये गया यहां से कितनी दूरी तय करके गया है, बताओ ये दूरी तय करके गया है एक्स दूरी तय करके गया है, कौन, स्कूटर साइकिल, मतलब गया किससे है, एक्स किलोमीटर दूरी तय करके गया है, और किस स्पीड से गया है, साइकिल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है। तो मेरी बात आप समझो यहां तक कि दूरी कितनी है बताओ इसमें, एक्स, और चाल कितनी है ए, और 2 से गुणा हम करेंगे इसको, मेरी बात समझना, 2 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है। और आने और जाने में कितना टाइम लगता है, हाँ क्या कह रहे हैं, 6.5 घंटे तो कहां लग रहे थे, ऊपर लग रहे थे, तुमको ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि इसमें लग रहा है 2 घंटे 10 मिनट, और 2 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 2 सही 10/60, इसका मतलब 0 से 0 कट जाएगी, 2 6 12 और 1 13/3 कितना होता है, 13/3। लेकिन इसने ये कहा है, देखो ध्यान समझो, यदि वे दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो ये है ना, ये यहाँ पर 2 घंटे और 10 मिनट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 घंटे 10 मिनट को हम किस में बदल सकते हैं, मिनट घंटे में बदल सकते हैं। तो देखो अब क्या आ जाएगा, 2 6 12 13/ क्या गया, क्या गया, 2x/a बराबर आ गया 13/6 आ गया, ठीक है। तो ये जो 2 है ना यहाँ पर, दुगनी जो चाल है, ये 2 आपका भाग में नहीं जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, बटा में नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले किया था ना बटा में, ये क्या है, इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो x/a की वैल्यू क्या आ गई, 13/3 आ गई। x/a ये समीकरण नंबर 2 मान लो, 2 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, 1 में, तो x/a की वैल्यू क्या है, 13/3। समझ में आ रही है मेरी बात, यहाँ पर 13/3 क्या रख सकते हैं, 3 प्लस में x/b बराबर में 13/2, 13/3 को इधर माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 13 3 39 और 13 2 26, 13 3 39 और 13 2 26, 39 में से 26 घटाएंगे कितने बचेंगे, और 3 2 6, x/b की वैल्यू क्या जाएगी,
9 में 6 गए 3, ये 13 बटा 6 आ जाएगी, 6 दूनी 12 और एक दो सही 1 बटा 6। एक्स बटा बी सिंगल साइड का ही था, लेकिन ऑप्शन में हमारा दो सही 1 बटा 6 है नहीं, तो इसका मतलब इसको हम किससे गुणा करेंगे, दो से और गुणा कर देंगे, दो दूनी 4 और दो तीन 6, 4 सही 1 बटा 3, ये आंसर इसका, दो सही 1 बटा 6 ऑप्शन में नहीं होगा, दोनों और का पूछा है। बैठ गई बात समझ में, नहीं बैठी? देखो साइकिल की जो चाल है ना वो कितनी, ए, स्कूटर की है बी, दोनों ओर जा रहे हैं तो एक्स किलोमीटर तय करनी पड़ेगी, जाएंगे भी आएंगे भी, तो अगर इसका समय निकालें तो चाल दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल, मतलब कि साइकिल की चाल ही आ गई, तो साइकिल का समय आ गया, इसका स्कूटर का निकालें तो एक्स बटा बी, और दोनों को टाइम लग रहा है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे सॉरी 6.5 घंटे, 6 घंटे 30 मिनट, 6.5 का मतलब होता है 13 का आधा। इसमें क्या है, दोनों ओर से जो है ना, दोनों ओर से क्या कह रहा है, साइकिल जा रहा है, तो दूरी कितनी तय करी इसने, कुल दूरी कितनी तय करी बताओ, अरे 2x ही तो तय करेगा, जब a की दूरी तय करता तो क्या होता है, तो 2x ही तो होगा, कुल दूरी इतनी 2x, और कुल चाल कितनी है इसकी, स्पीड क्या है, ए मान रखे ना, नहीं बेटी बात समझ में, तो दूरी बटा चाल का मतलब ये आ जाएगा, इसमें कितना घंटा लगा, 2 घंटे 10 मिनट। अब ये जो है ना 2 घंटे 10 मिनट, एक्स बटा ए जो है ना यहाँ पर, इसको 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है कि 13/2 तो 13/3, तो एक्स बटा ए की वैल्यू 2, ये गुणा हो जाएगा इससे, समझ में आया, 6 दूनी 12, 13/6 से ये 2 गुणा होगा ना, तो 13/3 आ जाएगा, समझ में आ गया ना कैसे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये एक्स बटा ए की वैल्यू 13/3 आ गई, बस सिर्फ यहाँ रख दो, एक्स बटा ए की वैल्यू 13/3, 13/3 इधर जाके माइनस की हो जाएगी, एक्स बटा बी की वैल्यू आ जाएगी 2 सही 1/6, 2 से इसलिए गुणा करें, दोनों ओर से चाल पूछ रहा है स्कूटर की, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया चोर ने भागना आरंभ कर दिया, यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, मतलब कि चोर ने कितनी दूरी तय की हुई होगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, एक चोर है ठीक है, ये चोर है मान लो, और इसके पीछे क्या भाग रही है, पुलिस भाग रही है, ये पुलिस है, देखो चोर की चाल क्या है, चोर की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, डेफिनेट सी बात है कि एक चोर को कौन पकड़ पाएगा, पुलिस 100% पकड़ पाएगी, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है चाल के बीच में, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इनके बीच में दूरी कितनी है 100 मीटर की, कितनी दूरी है 100 मीटर की, ठीक है 100 मीटर की ही दूरी है ना, हाँ 100 मीटर की ही दूरी है, ठीक है, उसके बाद ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, चोर की चाल 8 और इसकी चाल कितनी है बताओ, तो 100 मीटर को हम किसे बदल सकते हैं बताओ, 100 मीटर को हम किसमें बदल सकते हैं, या तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम किसमें बदलें, मीटर पर सेकंड में बदलें, या 100 मीटर को हम किसमें बदलें, किलोमीटर में बदलें, तो 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे बताओ, 1000 का भाग देंगे कि नहीं देंगे, तो देखो 100 मीटर को हम किसमें बदल रहे हैं, किलोमीटर बदलने के लिए किसका भाग दे रहे हैं, 1000 का भाग दे रहे हैं, और कितना जाएगा 1/10, ये आ जाएगा क्या, किलोमीटर, हमारे पास ये क्या है, ये किलोमीटर क्या है, दूरी है ना, और ये हमारे पास क्या है, यहां पर चाल का अंतर है, तो चाल का अंतर तो ये है ना, तो चाल तो एक तरीके से यही हो गई, और दूरी क्या हो गई आपकी, ये हो गई, तो समय कितना लगेगा बताओ, तो समय कितना लगेगा, डेफिनेट सी बात है, समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा दूरी कितनी है 1/10,
और चार कितनी है? दो, तो एक बटा बीस क्या जाएगा, घंटे आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। इतनी बात समझ में आ गई। ये कह रहा है कि पुलिस को चोर कितने मतलब कि कितने किलोमीटर के बाद पकड़ पाएगी, कितने मीटर के बाद पकड़ पाएगी। ये कह रहा है ना कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो आप बताओ कि चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है चोर की चाल, कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और अगर आपको दूरी निकालनी हो तो सूत्र क्या जाएगा? चाल गुणा में समय। नशे में हो तुम। चाल कितनी बताओ, 8, और समय कितना है? समय कितना है? 1/20। एक सिपाही को अपने से चोर 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, जिस सिपाही ने उसका पीछा आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालों का अंतर कितना हो गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर दूरी की सापेक्ष चाल से 1/20 घंटा, देखो 8 × 1/20 ये किलोमीटर आ जाएगी। क्या जाएगी? किलोमीटर। तो आ जाएगा 8/20 किलोमीटर। एक बात बताओ, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो किससे गुणा करूंगा? 1000 से। तो 20 × 50, 50 को 8 से गुणा करेंगे, 400 मीटर। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में? बताओ, बात बैठ गई ना समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गई ना यहां तक? कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी कौन? जीप। तो करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक जीप है और एक क्या है? कार। जीप है और क्या है? कार। एक जीप से कार आ गए है, कार से जीप आ गए है, कार आगे है और कितनी आगे है बताओ? एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जीप से कितने किलोमीटर आगे है? 5 किलोमीटर। तो 2 पॉइंट बन गए ना इसमें, दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई? जीप की चाल कितनी है? देखो चाल किसकी ज्यादा होगी, जब कह रहा है क्वेश्चन की पकड़ लेगी तो चाल किसकी ज्यादा होगी? जीप की ज्यादा होगी। कितनी होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की कितनी होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादा उसको मानना है जो पकड़ रही है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ चोर और वहां पुलिस थी, यहाँ पर जीप है यहाँ कार है, बस फर्क ये है। तो दोनों का अंतर बताओ कितना है? बताओ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताओ कि यहां पर ये क्या है, बताओ ये चाल आ गई कि नहीं आ गई इन दोनों के बीच की, इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। और आपकी दूरी कितनी है ये बताओ, दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। आप बताओ समय क्या जाएगा, समय क्या जाएगा? दूरी बटा चाल। तो मतलब कि क्या जाएगा ये? 1/3 क्या गए? घंटे आ गया, मतलब कि लगभग लगभग 20 मिनट। तो क्वेश्चन कहे कि कितने बाद, कितने मिनट बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है ध्यान से सुनो आप,
जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट बाद ही पकड़ लेगी, ऑप्शन में 20 मिनट है। तो 1/3 घंटे का मतलब हम इसको 20-60 से गुणा करें, क्योंकि 60 घंटे का मतलब इसमें 20 मिनट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस सवाल में क्या पूछा था आपसे, कितने किलोमीटर के बाद पकड़ लेगी, कितनी दूरी के बाद पकड़ लेगी। तो दूरी भी निकाल सकते हैं, दूरी ये है, समय ये है, दूरी क्या है, सॉरी चाल क्या है। जब आपको जीप चोर को कार को पकड़ रही है, जैसे चोर कार, चोर को आप कार मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर कार को पकड़ना है तो कार की चाल कितनी है, कितनी है कार की चाल, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 1/3 घंटा। तो बताओ, आप बताओ कि दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्या जाएगी, आ जाएगी ना, दूरी कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर ही आएगी क्या, बताओ दूरी। तो अगर दूरी पूछे तो 25 किलोमीटर के बाद पकड़ लेगी। अब भी नहीं आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। बता दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। ये एक सिपाही है, और किसका पीछा करेगा सिपाही, तो हमेशा चोर का पीछा करेगा। दो पॉइंट है, एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है, कौन, इसका मतलब दूरी कितनी जाएगी इन दोनों के बीच की, 100 मीटर। तो हम यहां कर रहे हैं सिपाही का और इधर चोर का, सिपाही और ये क्या है चोर, क्या कह रहा है, सिपाही और चोर की चालों का अनुपात। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, 5:4 इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो चाल किसका विपरीत होता है, समय का, कितना जाएगा 5। एक बात बताओ आप, अगर मैं कहूं आपसे कि दूरी क्या जाएगी, बताओ दूरी क्या जाएगी, एक बार बताओ इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चोर से 100 मीटर पीछे है ये कह रहा है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। पकड़े जाने पर, आप एक बात ध्यान से सुनो, आप पहले एक बार, ये चाल है इसकी, क्या है, किसकी चाल है, ये सिपाही की चाल है 5, और ये कितनी है इसकी, चोर की चाल कितनी है 4। अब कैसे करें हम इसको, हमसे क्या पूछ रहा है कि पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनो, इसमें दूरी का अनुपात कितना जाएगा, दूरी का, दूरी बराबर क्या होता है, क्या होता है, चाल इंटू में समय होता है। तो दूरी का अनुपात यहां 20 और यहाँ भी कितना है 20, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो एक बार, ये जो कह रहा है ना, अंतर कितना है इन दूरियों का, मान लो इस समय के अकॉर्डिंग मान लो अंतर, मान लें मैंने इसका बी एक है, कितना है इसका अंतर 1, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 दे रखी है, क्या दे रखी है, 100 दे रखी, ठीक है। 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो इस 4 की वैल्यू क्या जाएगी, 400, और 5 की वैल्यू क्या जाएगी, 500। ये दूरियों का अनुपात आ गया एक तरीके से, किसका अनुपात आ गया, दूरी आ गई 400 और ये आ गई 500, ठीक। तो आप इनको 500 मान सकते हैं, इसको 400 मान सकते हैं, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, समझ में आ रही मेरी बात। आप टोटल इसकी दूरी को क्या मान सकते हैं, 100 मीटर मान सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन में 400 या 500 में से होगा,
तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है ना, 80 मीटर दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है, 600 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन में आंसर दे रखा है, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका। यही आंसर है।